नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों कम हो रहे हैं और क्या वजह है सब्सक्राइबर्स कम होने की, और ये सब्सक्राइबर्स क्यों कम होते हैं ये हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, अक्सर ऐसा न्यू यूट्यूबर के साथ होता है जो कि मेरे साथ भी हो रहा है अभी। जैसा कि आप सभी को पता था, मेरे करीबन 1250 सब्सक्राइबर्स है जो कम होकर अभी 1175 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो हम इसी वीडियो पर बात करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स क्यों कम हुए, और आपके भी अक्सर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर आपके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, और आप ही को बताना चाहता हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों कम हुए, किस वजह से कम हुए और क्या कारण होता है सब्सक्राइबर्स कम होने का। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन बजा कर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत बोलना, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके हमको बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं कमेंट जरूर कर देना हमको। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरे एक महीने पहले 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, और उसी के साथ मैंने 1200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी कंप्लीट किया, और 1250 मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। हालांकि मेरे ये सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह क्या है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों कम हुए, किस वजह से कम हुए, और अक्सर मुझे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं सर आपके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, क्या है आपका चैनल बर्बाद हो रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता होगा पीछे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मैं अपने YouTube चैनल पर ध्यान नहीं दे पाया, और जिस वजह से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हुए। जी हाँ, ये नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है अभी आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं और आपको पता चले हाँ अभी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, और किस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स कम हुए। और इसी के साथ में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इस वीडियो में स्क्रीनशॉट आपको दिख ही होंगे, जैसा कि आप इस यहाँ पर देख सकते हो, सब्सक्राइबर के साथ मेरे वॉच टाइम और व्यूज़ भी कम हुए हैं। ये क्यों हुए, किस वजह से कम हुए, आप सभी को इस वीडियो में पूरी क्लियर पता चल जाएगा ये कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका एक न्यू यूट्यूबर चैनल है ना, अगर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और आप अच्छे से काम करना, बेहतर काम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, अभी मैं बेहतर काम करूँगा। अक्सर ढेर सारी यार इंसान को प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिससे उलझना पड़ता है, टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। आप भी वीडियो बनाते हैं, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर, आपको भी पता है एक वीडियो बनाने में कम से कम एक घंटा या दो घंटे चले जाते हैं। आप सभी को पता है मुझे करीबन एक हफ़्ता हो चला है, एक हफ्ते से मैं बिल्कुल अच्छे से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आप सभी को पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, और इसी वजह से वीडियो ना अपलोड करने की वजह से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हुए। कम होने के साथ मेरे चैनल के वॉच टाइम और व्यूज़ भी कम हुए। जी हाँ, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर, आपके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप सोचते हो अक्सर हाँ अभी मेरे तो 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, अब तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही बोलते हैं, आपके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के साथ आपका चैनल 100% ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। ग्रो होने का आपका व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ होने लगते हैं, पर ऐसा अक्सर नहीं होता है, क्योंकि आप एक न्यू यूट्यूबर हो, YouTube भी देखता है आप कैसे कौन से तरीके से काम कर रहे हो। आपके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आप इतनी मेहनत करते हो जितनी आप पहले किया करते थे, ये भी YouTube देखता है, उसी अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको व्यूज़ देता है, सब्सक्राइबर्स देता है। अगर आप अच्छे से काम करते हो, YouTube को भी पता चलता है हाँ काम करता है, चलो इसके चैनल को प्रमोट करते हैं। अगर आपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, एक हफ़्ता छोड़ दिया काम कर, वीडियो अपलोड नहीं किया, या दो हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं किया, उससे आपके चैनल को अफेक्ट पड़ता है, और आपका चैनल ग्रो होने की वजह से नीचे आ जाता है, जैसे कि मेरा आया है, जिस वजह से मैं बीमार था, मैं अच्छे से काम कर नहीं पाया, वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, जिस वजह से मेरा चैनल 1250 लेवल के होने के साथ साथ मेरे 1175 सब्सक्राइबर्स हो गए।
आप देख ही सकते हैं 75 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल से लॉस हुए हैं, और इसकी वजह मैं हूँ, मैं ठीक नहीं था जिस वजह से हुआ, और उसी के साथ मेरा वॉच टाइम जो व्यूस लेकर आता है, और उसी के साथ मेरा वॉच टाइम भी बढ़ता है, वो भी कम हुआ। इसी के साथ आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हो, जैसे कि अभी मेरे व्यूज़ भी कम हैं और हुए हैं तो, और सब्सक्राइबर्स भी मेरे लॉस हुए हैं, 75 सब्सक्राइबर्स मेरे जो लॉस हुए हैं, ये आप सबको डिटेल दिख रही होगी। यही वजह होती है अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बड़ा यूट्यूबर भी काम करता है ना, बड़ा यूट्यूबर काम करने के बजाय उसके एक दिन के 1 लाख सब्सक्राइब व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आने के बाद उसके करीबन मान लो 1 के सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं और 1 लाख व्यूज़ भी आ जाते हैं एक दिन में। बड़े यूट्यूबर की बात करूँ, अगर वो भी एक महीना वीडियो ना अपलोड करे, उसके भी 1 लाख व्यूज़ की बजाय 10,000 व्यूज़ रह जाएंगे, और सब्सक्राइबर्स 1K सब्सक्राइबर्स आने की बजाय उसके भी 500 सब्सक्राइबर्स रह जाते हैं। अक्सर आप भी वीडियो अपलोड करते रहो, अगर आपके पास टाइम नहीं था तो उस वजह से आप देख सकते हो, आपको टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करना है, रात को करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, जिस टाइम पर आप फ्री हो उस टाइम पर वीडियो अपलोड कीजिए, 100% आपका चैनल कहीं नहीं जाएगा, और आपका चैनल जहाँ उस पोजीशन पर है उस पोजीशन भी रहेगा। अक्सर आप एक हफ्ते में करीबन 3 या 4 वीडियो भी अपलोड करते हो तब भी आपके चैनल ग्रो ही रहेगा, ना कि नीचे आएगा। जैसे कि मैंने कम से कम 7 दिन हो चले हैं, 7 या 8 दिन हो चले मैंने ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, बस इसी वजह से मेरा चैनल नीचे आया है। क्यों न्यू चैनल है इस वजह से नीचे आया है, और आप सभी को भी पता लग ही गया होगा, आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, और इसी सब्सक्राइबर्स कम नहीं हो रहे उसके साथ मेरे व्यूज़ भी कम हुए हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, आई होप आप सबको ये वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। हमको भी आगे जाकर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, और आपके चैनल को ऊपर लेने के लिए आपको एक हफ्ते में करीबन 2 या 3 या 4 वीडियो डालनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सब्सक्राइबर्स क्यों कम होते हैं, व्यूज़ भी क्यों कम होते हैं, मिलते हैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का दिन आप सभी का शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।